हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस के एग्ज़ाम्स के लिए प्रैक्टिस सेट। काफ़ी लोगों की डिमांड भी आ रही थी, पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहा था कि टॉपिक वाइज स्टार्ट किया जाए एंड प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाए। मतलब हर तरह के कमेंट्स आ रहे थे, हर तरह के मैसेज मुझे मिल रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा सीरीज स्टार्ट कर देते हैं जिससे आपका बिहार पुलिस भी कवर हो जाएगा और साथ ही साथ जो अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करते हुए हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए उनका भी बेनिफिट हो जाएगा। तो हम बिहार पुलिस को लेकर के टारगेट कर रहे हैं, क्वेश्चंस इसमें बिहार पुलिस को देखते हुए बनाया गया। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपके लिए प्रैक्टिस सेट इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए और खुद की प्रिपरेशन को चेक करिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है यूरोप की कौन सी नदी है कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, राइन नदी को कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जो कि ये जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट आता है कि बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है। बिहार में जगदीशपुर से आपको पता ही है कि वीर कुंवर सिंह थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो कि इस क्रांतिकारी में मतलब क्रांतिकारी थे 1857 की क्रांति में। लेकिन इस दमन का श्रेय यानी इस विद्रोह के दमन का श्रेय ब्रिटिश अधिकारी को जाता है, उनका नाम है टेलर और विंसेंट आयर। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, टेलर और विंसेंट आयर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था, बताइए कि किस अधिनियम के द्वारा। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था, किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था। तो प्रांतीय स्वायत्ता के स्थान पर केंद्र में द्वैत शासन स्टार्ट किया गया 1935 के अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, ठीक है। और भारतीय संविधान में जो कि सबसे ज़्यादा गंभीर जो प्रभाव पड़ा है 1935 के अधिनियम के द्वारा ही पड़ा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से ग्रहण की गई है, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव जो है वो कैसे हुआ था, किस बेस पर हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम्स के लिए, अगर आपके पास कोई ग्रुप है तो आप वहाँ पर ज़रूर शेयर कर दिया करें। तो करेक्ट आंसर होगा, प्रांतीय सभाओं के द्वारा ये चुने गए थे, तो यहाँ पर हम डी को टिक करेंगे। हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने को मिलेगा, तो जीके का लेवल ज़्यादा हम लोग ना तो टफ रखें ना ही ईजी रखें, मॉडरेट लेवल है। भारत में समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। देखिए, भारत में समवर्ती सूची जो है, समवर्ती सूची जैसे कि सातवीं अनुसूची जो है उसमें तीन सूचियों के बारे में बात की गई है, संघ, राज्य और समवर्ती। तो समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया, तो हम यहाँ पे सी को टिक कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि हमारे संविधान में प्रस्तावना का जो विचार है और प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से लिया गया। तो ध्यान रखना है कि प्रस्तावना का जो भाषा है वो आपका लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। लेकिन प्रस्तावना का जो विचार है वो हम ग्रहण किए हैं यूएसए के संविधान से, तो ये दोनों भी याद रखना है, राइट। नेक्स्ट आते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। अब तक सिर्फ और सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, जिसके तहत तीन शब्द को जोड़ा गया था, आपको पता होगा ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 है, इसी के तहत तीन शब्दों को जोड़ा गया, तो यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे। सागरीय जल में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सागरीय जल में कौन सा लवण जो है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो जाहिर सी बात है आप आसानी से गेस कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड, NaCl। काला सागर में लवणता की जो मात्रा होती है कम होने का मुख्य कारण क्या है। काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है कि नदी द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति, नदी द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति, यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश या फिर देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। बताइए कि किस प्रदेश या फिर देश की जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो हम देखेंगे असम तो अपना सभी के साथ साझा करता है, और यहाँ पे नागालैंड भी होता है, भूटान तो होता ही है, लेकिन मणिपुर के साथ ये साझा नहीं करता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा मणिपुर के साथ नहीं लगती है, तो हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे।
खास करके मैं आपको बता दूं कि पूर्वोत्तर जो भारत है, पूर्वोत्तर भारतीय जो राज्य है उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूर रखिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ वहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं। सिख धर्म की पवित्र जो पुस्तक है वो कौन सी है? सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब जो पांचवे गुरु थे, गुरु अर्जुन देव जी, इन्होंने इसका संपादन किया था। आदि ग्रंथ, देखिए ध्यान दीजिएगा, आदि ग्रंथ समुदाय का, सिख समुदाय का प्रमुख ग्रंथ है, इसे गुरु ग्रंथ साहिब ही कहा जाता है। यानी यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया था, तो आदि ग्रंथ दिखे तो टिक करेंगे या फिर गुरु ग्रंथ साहिब दिखेगा। इनका संपादन सिख समुदाय के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने किया था, ये याद रखना है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो पहला प्रकाशन है ये 30 अगस्त 1604 को हरमिंदर साहिब अमृतसर में हुआ था, तो ये याद रखेंगे 1604 में पहली बार इसका प्रकाशन हुआ है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी? क्वेश्चंस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, नहीं तो ओएमआर पे आप गलती करके आएंगे। क्वेश्चंस को ठीक से पढ़िए, क्योंकि एक बार अगर आप गलती पढ़ोगे तो ओएमआर पे आप गलती भरोगे और फिर वो सुधार नहीं कर सकते। तो क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए दो चीज़ बन सकता है, शामिल थी अगर ठीक से नहीं पढ़ोगे भारतीय संविधान में 8वीं सूची में कितनी भाषाएं, अगर आप पढ़ लोगे बस इतना ही पढ़ करके तो ठीक करोगे 22 पे, लेकिन क्वेश्चंस में पूछा गया कि शामिल थी यानी मूल संविधान की बात कर रहे हैं, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा जुड़ा जो कि 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, फिर जाकर के 3 नई भाषाओं को जोड़ा गया, उसके बाद फिर जाकर के 4 नई भाषाओं को जोड़ा गया यानी 72 और फिर जाके 92 में, तो 92 संविधान संशोधन जो कि आपका हो जाता है 2003 में, इस तरह से जाकर के टोटल अब अगर हम बात करते हैं तो 22 भाषाएं हैं हमारे 8वीं अनुसूची में। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाता है मूल संविधान में 14 थी उस वक्त थी, तो करेक्ट होगा ऑप्शन ए। बस छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आप एग्जाम्स में 2-4 नंबर आराम से बचा सकते हो। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो देखिए प्रोटीन का जो पाचन होता है, प्रारंभ होता है, वो होता है मुँह से। प्रोटीन का पाचन मुंह से होता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अगर ऐसे पूछता क्वेश्चंस दो तरह से बन सकते हैं कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो मुंह से प्रारंभ होता है, मुख से प्रारंभ होता है, लेकिन कहाँ पर होता है ऐसे कहता है तो फिर वो छोटी आंत में होता है, तो हम यहाँ पे बी को टिक कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको पढ़िए समझिए कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन मुख से शुरू होता है और छोटी आंत में ख़त्म होता है यानी समाप्त होता है। मुंह में भोजन का भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में पीसकर शारीरिक पाचन किया जाता है। उसके बाद अमाशय की बात करें तो अमाशय की दीवारों द्वारा उत्पादित गैट्रिस जूस की क्रिया से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। अमाशय की मुख्य कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम लोग HCL कहते हैं, के साथ एंजाइम पेप्सिन को स्रावित करती है। HCL प्रोटीन को नष्ट कर देती है और पेप्सिन प्रोटीन को एक साथ रखने वाले बंधकों को तोड़ देता है, और इसके बाद छोटी आंत में जा करके ये आगे की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है और इसमें लौह अयस्क होता है। दो प्रश्न ये ध्यान रखेंगे कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों के रूप में व्यवहार करती है? हमारे शरीर की कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार के तरह व्यवहार करता है? तो आपका आगा अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, 28 फरवरी जो कि सीवी रमन के जयंती के रूप में हम लोग ये मनाते हैं, उनके जयंती पर मनाई जाती है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि तृतीय ऑंग्ले मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो तृतीय ऑंग्ले मैसूर युद्ध के समय अगर हम बात करें 1792-1793 के दौरान, 90-92-93 के दौरान, तो उस वक्त मैसूर युद्ध के समय, तृतीय ऑंग्ले मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, और इनके समय की स्थायी बंदोबस्त जो कि आपको पता ही है बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है कि मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना 1918 में किया गया था बीपी वाडिया के द्वारा, और साथ ही साथ इनके साथ एक और थे जो कि दोनों ने मिलकर के किया था। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भारत का पहला संगठित ट्रेड यूनियन मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना 13 अप्रैल 1918 को हुई थी। इसकी स्थापना बीपी वाडिया ने बी कल्याण सुंदरम मुदलियार के साथ मिलकर के किया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे 1918 में हुआ था।
कृत्रिम वर्षा या फिर मेघ विजन के लिए प्रायः प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक द्रव्य कौन सा है? देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शंस पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है। अगर ऑप्शंस में इन दोनों के अलावा मतलब और कुछ दिया गया हो, जैसे सिल्वर आयोडाइड तो होता ही है, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड जो है इसे हम लोग कृत्रिम वर्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा सोडियम क्लोराइड साथ ही साथ सूखी बर्फ, ये तीनों भी होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगर ऑप्शंस में ये ना हो तब जाकर के आप सिल्वर आयोडाइड को टिक करेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है, पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए आता है? पूर्व पाषाण काल का जो संदर्भ है वो किसके लिए आता है? इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी आपकी राय हो तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप इसमें सुधार किया जा सकता है, ठीक है। तो पूर्व पाषाण काल का संदर्भ किसके लिए? तो प्रागैतिहासिक मानव के लिए, ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक मानव के लिए। नेक्स्ट आता है कि क्वार्ट्ज किससे बनता है? क्वार्ट्ज जो है वो किससे बनता है? तो क्वार्ट्ज यहाँ पे हो जाएगा सोडियम सिलिकेट, ठीक है, सोडियम सिलिकेट, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? ध्यान से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तब जाकर के आप कर पाएंगे, अदरवाइज गलती हो जाएगा। कौन सा गुण भारी पानी में नहीं होता है? ध्यान से देखिए, भारी पानी में अगर हम बात करें तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी पानी कहा जाता है। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि जैसे कि पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि भारी पानी का क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, साधारण पानी से कम होता है। तो सबसे पहले साधारण पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता कितना है? साधारण पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, लेकिन भारी पानी का जो क्वथनांक, भारी पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारी पानी का जो क्वथनांक है वो साधारण पानी से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए में तो उल्टा लिखा गया कि कम होता है, तो ये गलत हो जाएगा और हमारा सही आंसर भी ऑप्शन ए ही बन जाता है। भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है, ये सही है, हिमांक भी इसका अधिक होता है, यह संक्षारण उत्पन्न करता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऑप्शन ए यहाँ पे गलत था। नेक्स्ट आता है कि हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? हरित बाली रोग जो है वो किस फसल से संबंधित है? हरित बाली रोग का संबंध हो जाता है बाजरा, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, बाजरा से संबंधित है। यहाँ पे देखेंगे हरित बाली रोग बाजरे की एक आम बीमारी है, इसे जोगिया भी कहा जाता है, जोगिया भी कहा जाता है, या एक कवक रोग है जो कि कवक का नाम थोड़ा सा आप देखेंगे स्क्रेलोरोस्पोरा ग्रामिनी कीला नामक फफूंद से होता है, और यह फफूंद खेत की मिट्टी और बीजों में मौजूद रहती है। यह रोग पूरे पौधे को प्रभावित करता है और बालियों को विकृत कर देता है, इससे बालियों में बीज नहीं बनते हैं। तो बस सिंपल सा बस ये याद रखना है कि हरित बाली रोग किससे होता है, तो ये आपका फफूंद से होने वाला, फंगस से होने वाला रोग है, यानी कवक से होने वाला रोग है, और ये एक बाजरे की बीमारी है। और कई बार यही पूछा जाता है कि किसकी बीमारी है, किसकी फसल, किस फसल की बीमारी है, तो बाजरे की, राइट। गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास जो प्रमुख उद्देश्य था वो किस पंचवर्षीय योजना का था? गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास जो है ये प्रमुख उद्देश्य था पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि अपने समय से एक वर्ष पहले ही समाप्त की गई थी, राइट। क्योंकि आपको पता ही है कि 1900 इसे स्टार्ट किया गया था 1974 में, कि 1974 से 1979 तक ये चलता, लेकिन इसको एक वर्ष पहले ही समाप्त करके 1978 में समाप्त कर दिया गया, और इसके स्थान पर रोलिंग प्लान को स्टार्ट किया गया था जिसको हम लोग अनवरत योजना कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, फिलहाल ऑप्शन डी हो जाता है, पंचवर्षीय, पांचवी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट आता है कि ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में कौन सा प्रकीर्णन एंजाइम जो है वो बदलता है? ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में कौन सा एंजाइम बदलता है? तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में जाइमेज बदलता है, जाइमेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है कि पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहा जाता है? तो भारी पानी का सिंपल सा मतलब ये है कि हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है, आइसोटोप है, जैसे कि 1H1 होता है, 1H1, 1H2 होता है, 1H3 होता है। तो 1H1 होता है आपका प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है ट्राइटियम, ठीक है। तो दूसरा जो हमारा ड्यूटेरियम है उसी को कहा जाता है हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, टेकोफेरॉल जनन क्षमता को प्रभावित करता है। रेटिनॉल तो विटामिन ए हो ही गया, और राइबोफ्लेमिन जो विटामिन बी2 हो गया,
और पैराडॉक्सिन जो आपका B6 हो जाता है, ठीक है। तो इन सभी के नामों को भी याद रखेंगे। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? बक्सर की लड़ाई जो है वो आपका 1764 22 अक्टूबर 1764 को, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके साथ लड़ा गया था? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कह सकते हैं मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने लिख रखा है, आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि मीर कासिम ने अवध पहुंचकर अवध के नवाब सुजाउद्दौला, ध्यान दीजिएगा, सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, यानी यहाँ पे तीन लोग शामिल थे, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक सैन्य संगठन का निर्माण किया और उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि उन तीनों की संयुक्त सेना मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करेगी। इन तीनों पक्षों की संयुक्त सेना 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के आरा जिले के स्थित बक्सर के मैदान में आ पहुंची। इस संयुक्त सेना का मुकाबला करने के लिए अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो, यानी अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि नेतृत्व में एक सेना पहुंची और बक्सर के युद्ध में दौरान बंगाल का जो गवर्नर थे वो कौन थे? तो विंसी टाट। ये भी याद रखिएगा, विंसी टाट। तो ये सब कुछ याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से तीन चार क्वेश्चन आपको क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन किसको पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? किसे पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? तो वो आपका हो जाएगा सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज ऑप्शन सी। वर्नाकुलर स्पेस एक्ट जो है और साथ ही साथ शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो किसने पेश किया था, तो लॉर्ड लिटन ने लागू किया जाकर के, बाद में लॉर्ड रिपन ने इसको हटा दिया था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? ध्यान दीजिएगा, किस देश से होकर के नहीं गुजरती है, किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन हम यहाँ पर बी को टिक करेंगे, मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरता है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये 13 देशों से होकर के गुजरता है, भूमध्य रेखा कुल 13 देशों के माध्यम से गुजरती है। दक्षिण अफ्रीका के 3 देश जिसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील आता है। अफ्रीका में 6 देश जिसमें गैबॉन, कांगो गणराज, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज, युगांडा, केन्या और सोमालिया। एशिया में 4 देश आते हैं जैसे मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती, साओ टोम और प्रिंसिपी, ये 4 देश इसके अंतर्गत। तो 9 और 4 13, टोटल 13 देशों के साथ भूमध्य रेखा गुजरती है जिसमें मैक्सिको नहीं आता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ क्या है? अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ मतलब कि अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया उसे अवशिष्ट शक्तियाँ कहा जाता है, तो डी यहाँ पे करेक्ट होगा। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद का नाम क्या है? देखिए, पंचतंत्र का फारसी जो अनुवाद है इसका नाम है अनवर ए सुहैली, सी होगा, अनवर ए सुहैली। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ने किया था। तो पंचतंत्र संस्कृत का एक ग्रंथ था जिसको विष्णु शर्मा ने लिखा, बचपन से हम इनकी कहानियों को सुनते आ रहे हैं, जो कि काफ़ी फेमस भी है, वर्ल्ड में फेमस है। तो पंचतंत्र का फारसी में अंजु अनुवाद है अबुल फजल ने किया था और इसका नाम अनवर ए सुहैली रखा गया था। अकबर के शासनकाल में कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था जिनमें महाभारत, रामायण, अर्थ अथर्ववेद और भगवद गीता भी शामिल है। और यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे कि अकबर के काल को फारसी साहित्य के पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है, फारसी साहित्य के पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। सहायक संधि का जनक किसे मानते हैं? सहायक संधि का जनक बताइए कि किसे माना जाता है? सहायक संधि का जनक लॉर्ड विलेजली, ठीक है, लॉर्ड विलेजली 1798 में स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। और एक प्रश्न देखिए हमेशा घुमा करके पूछ लिया जाता है कि जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि जंग लगने पर लोहे का जो भार है वो बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। डायोड एक प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करता है? डायोड एक प्रकार की प्रयुक्ति है, मतलब एक उपकरण है जो धारा को
एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। तो यहाँ पे हमने आज के इस वीडियो में 35 क्वेश्चंस रखा था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके पास ग्रुप है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर, तो हर जगह आप इसे ज़रूर शेयर करें। और साथ ही साथ इस अगर आपने अभी चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके चैनल का मेंबर बन जाइए, आप हमारे साथ जुड़ जाइए रेगुलर इस तरह के वीडियो के लिए। और नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई राय हो, कोई शिकायत हो, कोई सुधार करना हो, तो ज़रूर आप कमेंट करें। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।